आज है गुरुवार का दिन गुरुवार के दिन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को मैंने लक्ष्मी पूजन किया था उसी दिन का ये वीडियो है एक्चुअली दिवाली होने के बाद इतना मतलब एक थकान जैसी हो गई थी और होता है ना कि किसी किसी दिन हमें ऐसे लगता है कि अब बस रिलैक्स करना है कुछ भी करने का दिल नहीं करता है तो उसी तरह से मेरा भी दिवाली के बाद दो तीन दिन मेरा उसी तरह से मूड बन गया था तो मैंने भी रिलैक्स किया था तो ये वाला जो दिवाली के दिन की वीडियो थी वो अपलोड करना रह गया था तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन जिस दिन था उसी के दिन सुबह सुबह इस तरह से पहले मेरी शुरुआत सबसे पहले हुई भगवान जी की पूजा से जो रेगुलर की रूटीन वाली पूजा होती है वही मैंने सबसे पहले किया था पूरा दिन मेरा किस तरह से बीता था वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैंने मेरा दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट किया आप लोग की भी दिवाली बहुत ही शुभ और मंगलमय गई होगी तो इसी तरह से मेरी भी दिवाली बहुत ही अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया है तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मंदिर में जो भी मेरी पूजा पाठ करनी थी वो मैंने कर लिया उसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि कितना भी त्यौहार हो कुछ भी हो लेकिन जो एक हमारी रेगुलर वाली घर की रूटीन होती है वो भी हमें फॉलो करना पड़ता है तो यहाँ पर उसी तरह से सबसे पहले मैंने सभी के लिए नाश्ता बना दिया और नाश्ता बना के उन्हें दे दिया कि सब नाश्ता कर ले और यहाँ पे मेरे पापा भी भी आए हुए हैं तो तो उनका भी मुझे ख्याल रखना था तो सभी को नाश्ता देने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो रेगुलर वाला काम हो रहा था वो भी कर रही थी साथ साथ दिवाली की भी तैयारी कर रही थी क्योंकि शाम को लक्ष्मी पूजन भी करना था तो काफी सारे काम हो जाते हैं घर में लक्ष्मी पूजन के दिन जब आपके घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं होता है तो सब काम आपको ही मैनेज करना रहता है और सब काम सही टाइम पे हो जाए तो उसके लिए हमें सबसे मेन हमारा जो रूल होता है यही फॉलो करना होता है कि हम सही से टाइम को मैनेजमेंट करके चले तो मेरा भी वही काम होता है मैं अपने टाइम को सही से डिवाइड करके लेती हूँ कि किस टाइम तक मुझे कौन सा काम ख़त्म करना है और किस टाइम पर कौन सा काम मेरे हाथ में लेना है तो उसी तरह से जब मैं करती हूँ तो मेरे जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं या फेस्टिवल में जब हमारे पास हजारों काम हो जाते हैं तो सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके साथ चलती हूँ और मेरे सभी काम बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं और सही टाइम पे हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मुझे हार भी बनाना था और ये फूलों की लड़ियाँ बनानी थी क्योंकि शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद मुझे अपने गाड़ी की पूजा भी करनी होती है तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक दिन पहले ही मैंने हार लाया था वैसे मैं हार जो होता है वो माला सब एक दिन पहले ही बना लेती हूँ लेकिन कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ नाश्ता वास्ता हो जाने के बाद अब सभी को नाश्ता करा दिया है तो अब डेढ़ दो बजे तक लंच का टाइम होगा तो उससे पहले ये सब काम कर लेती हूँ जो भी मेरे पास दो तीन घंटे हैं तो ये काम कर लूंगी तो फिर बाकी काम जो भी दिवाली के लिए मुझे करना है तो वो फिर मैं फ्री होके करूंगी तो यहाँ पे देखिए फटाफट ये फूल बना ले रही हूँ मतलब माला बना ले रही हूँ और माला बनाते बनाते यहाँ पे पापा से बैठ के बातें भी करते जा रही हूँ और साथ में माला भी बना ले रही हूँ यहाँ पे मैंने जो धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ के चरण लाए थे चांदी के चरण लाए थे और स्वास्तिक लाया था उसकी मैंने धनतेरस के दिन पूजा कर ली थी उसके बाद उसे मैंने ऐसे ही तिजोरी में रख दिया था उसे मैंने सोचा था लक्ष्मी पूजन के दिन चौखट पे लगाऊंगी तो वो भी मैं आज ही लगा लूंगी तो यहाँ पे उसे मैं इस तरह से जो भी दोनों मतलब दो दो जोड़ी में इस तरह से चरण लिए थे माँ के तो वो मैं इस तरह से चिपका लूंगी तो वही मैं यहाँ पे चिपकाने का काम कर रही हूँ स्टिक कर लूंगी चौखट पे और यहाँ पे मेरी चौखट जो है ये ये ग्रेनाइट का का है तो है है तो पे तो मतलब थोड़ा शेड में और चांदी चरण वो भले दिखे या ना दिखे शुभ होता है तो इसलिए मैं उसे लगाऊंगी और यहाँ पे ये जो मैंने सेफ्टी डोर का काम कराया था तो बंदे ने बोला है कि दिवाली के बाद वो चौखट यहाँ पे का लगा के मुझे चौड़ा सा देगा तो उस पर फिर मैं इसे वहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी लेकिन अभी फिलहाल आज लक्ष्मी पूजन का दिन है शुभ मुहूर्त है अच्छा दिन है तो आज ही मैं यहाँ पे ये माँ के चरण दोनों तरफ इस तरह से चिपका दे रही हूँ चौखट पे और साथ ही दरवाजे पे जो सौस्तिक मैंने लिया था उसे चिपका दे रही हूँ और यहाँ पे सौस्तिक भी बना दे रही हूँ हाथ से जो कि ये सब चिन्ह शुभ चिन्ह होते हैं शुभ दिन बनाए जाते हैं उसके बाद यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी जो मैंने ये वाला सेक्शन बनवाया है जहाँ पे मुझे पूजा पाठ करनी है यहीं पे मैंने मंदिर के बाजू में ही इस तरह से लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने कि मेरे धनतेरस की पूजा भी मैंने यही सेक्शन में किया है और यहीं पे अब मैं लक्ष्मी पूजन भी करूँगी तो बहुत ही मतलब मुझे ये कम्फर्टेबल हो गया है ये वाला प्लेस कि यहीं पर मेरी जब सभी पूजा भी हो जाएगी और चीज़ें मेरी बिखरेगी भी नहीं बहुत अच्छे से यहाँ पर सेटअप भी हो जाएगा और चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मतलब अरेंज भी हो जा रही है इस तरह से स्पेसियस में ये मैंने बनवा लिया है और मंदिर के जस्ट बाजू में पूजा करने पे फिर ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि सभी पूजा पाठ एक ही जगह पे हो रहा है तो उसे भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने तो कुछ भी डेकोरेशन किया नहीं है जैसे कि लक्ष्मी पूजन है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने के बाद जब पूजा करते हैं तो देख के अच्छा लगता है तो वही मैं यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत सो पीस मैंने इस तरह से ये लटकन वाली चीज़ें मैंने ली थी तो वही सब यहाँ पे अच्छे से इसे लगा दूंगी डेकोरेशन करते करते यहाँ पे किचन में मेरा पैरेलल काम चल रहा था जो भी खाना बनाना था यहाँ पे दिवाली के दिन जो भी मैं खाना बनाती हूँ वो भगवान को भोग नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो प्याज लहसुन का बनता है भगवान को जो भी भोग लगना है वो अलग से मैं बना के रखती हूँ यहाँ पे ये खाना बना लेती हूँ जैसे कि आ, अच्छे ही खाना बनता है दिवाली के दिन तो यहाँ पर मैं पुलाव छोले और पूड़ी बना रही हूँ और मखाने का खीर बनाऊँगी जो कि शाम को बनाऊँगी कि लक्ष्मी माता को उसका भोग लगाऊंगी केसर और मखाने का खीर का भोग लगता है तो वो बना के पहले भोग लगाऊंगी उसके बाद फिर उसे हम भी प्रसाद के लिए प्रसाद में खाएंगे तो यही यहाँ पे छोला और मेरा पुलाव रेडी हो रहा है और फिर जब खाना खाना होगा तो साथ पूड़ी तल के और दे दूंगी सबको खाना तो दोनों टाइम का खाना मैं एक साथ ही बना ले रही हूँ आज सुबह और शाम का क्योंकि शाम को लक्ष्मी पूजन के टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा कि शाम को फिर खाना बना पाए तो यही खाना रहेगा सुबह शाम दोनों टाइम फिर हम खा लेते हैं त्यौहार में ऐसा होता है कि एक के बाद हमें एक काम हमारे पास रेडी रहता है तो उसी तरह से और दिवाली तो ऐसा त्यौहार है कि जिसमें मतलब बहुत सारे काम होते हैं और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दिवाली के त्यौहार का मुझे भी एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है काफ़ी दिन पहले से मैं तैयारी करती रहती हूँ तो यहाँ पर आज तो मेन लक्ष्मी पूजन है तो आज तो ज़्यादा ही तैयारी रह जाती है तो यहाँ पर देखिए मुझे रंगोली बनाना है तो रंगोली भी मैं इस तरह से हम फ्लैश सिस्टम में रहते हैं तो फ्लोर पर हमारे चार फ्लैट है और चार फ्लैट के बीच में इस तरह से स्पेस है तो मैं ही यहाँ पे बड़ा सा एक रंगोली बनाती हूँ और रंगोली भी बनाने के लिए मतलब यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे होंगे कि टाइल्स ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से बिल्डर ने डिज़ाइन बना के दिया है मतलब टाइल्स लगाया है जिसपे कि मतलब ये फ्लैट सरफेस नहीं है तो यहाँ पे इसी तरह की रंगोली बन पाती है तो हर साल मैं इस तरह से बीच में ही एक बड़ी सी रंगोली बना लेती हूँ और हमारे फ्लैट पे जो भी मतलब हमारे फ्लोर पे जो भी तीन फ्लैट हैं ये तीनों फ्लैट के जो भी ओनर हैं वो दिवाली के दिन वो अपने गांव चले जाते हैं वो अपने गांव में ही लक्ष्मी पूजन करते हैं तो सभी फ्लैट बंद रहते हैं तो मैं ही अकेले इस फ्लोर पे रहती हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए तो यहां पे मैं इस तरह से बड़ा सा रंगोली बनाती हूँ रंगोली बनाने में काफी टाइम चला जाता है एक सवा डेढ़ घंटे लग ही जाते हैं तो यहाँ पे खाना मतलब बन ही गया है सिर्फ पूरी बनाना है तो मैंने सोचा पहले रंगोली बना लेती हूँ उसके बाद आके फटाफट सबको पूरी तल के दे दूंगी और खाना परो तो यहाँ पे देखिए बड़ी सी मेरी रंगोली बन रही है कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी रंगोली कैसी लग रही है।, तो में में, मतलब तो है वो थोड़े शाम के टाइम बनाऊंगी अभी से नहीं बनाऊंगी तो यहाँ पे इसमें ये बनाने में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए इसे पहले ही बना ले रही हूँ और जो चौखट पे छोटी सी रंगोली होती है वो तो फटाफट बन जाती है तो उसे फिर बाद बना लूंगी लंच कर लेने के बाद सभी प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मेरे भगवान जी के जो भी बर्तने अभी पूजा में लगनी थी वो भी म साफ़ करना बाकी रह गया था तो उसे मैं यहाँ पे फटाफट साफ़ कर ले रही हूँ और साफ़ करने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो यहाँ पे माँ की जो पैर चरण बनाने होते हैं उसे मैं बना रही हूँ लेकिन इतने देर में ही मतलब इतना सब करने में मुझे चार बज गया था और मेरे पास काफ़ी टाइम था मतलब पूजा की तैयारी करने में लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि घर पे गेस्ट आने लगे तीन चार मेहमान आ गए एक के बाद एक आने लगे कम से कम आधा पौना घंटा उन्हें हमें टाइम देना पड़ रहा था और यह सब करने में मतलब बज गया बजे तक मेहमान लोग गए और फिर मेरी इतनी जल्दबाजी हो गई मतलब पूजा की तैयारी शाम हो गई थी आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और दिया बत्ती भी करना था सब जगह दीपक भी जलाने थे और मेहमान आ गए थे तो उन्हें हम मना भी नहीं कर सकते थे तो उन्हें भी अटेंड करना जरूरी था क्योंकि त्यौहार का टाइम है इसी टाइम पे सब एक दूसरे से मिलने आते हैं तो यहाँ पे मैं बड़े ही मुझे मतलब जल्दबाजी हो गई बहुत ही मतलब एकदम मेरी जैसे कि सांस फूलने लगी कि अब कब मैं पूजा करूंगी कब तैयारी करूंगी क्योंकि तैयारी करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो यहाँ पर इसलिए मैंने तैयारी जो भी मैंने पूजा की की थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो नहीं शेयर किया है जो भी मैं पूजा जिस तरह से करती हूँ उसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर शेयर की है तो इसलिए इस बार मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो यहाँ पे फटाफट पहले सबसे पहले मैंने सब जगह दीपक जला दिए अपने घर में और यहाँ पे फिर सबसे पहले मैं चौखट की पूजा करती हूँ चौखट पे दिया जलाती हूँ और चौखट की पूजा करती हूँ जैसे कि नवरात्रि में हम चौखट पे पूजा करके माँ को आह्वान करते हैं घर में आने के लिए बुलाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं उसी तरह से मैं लक्ष्मी पूजन के दिन भी पहले चौखट की पूजा करती हूँ उसके बाद फिर मेन लक्ष्मी पूजन करती हूँ और साथ ही यहाँ पे जो हमारी सिकड़ी होती है गैस होता है उसकी भी पूजा कर लेती हूँ वहाँ भी दीपक जला देती हूँ तो इसी तरह से मैंने पूरे घर में और जहाँ जहाँ मुझे पूजा करनी थी सबसे पहले सब जगह दीपक जला दिया दिया जला दिया क्योंकि दीपों का त्यौहार है दीपावली तो सब जगह दिवाली के दिन दिए जलना ज़रूरी होता है तो दिए जला दिए जहाँ भी रंगोली बनाया था वहाँ पे यहाँ पे मतलब किचन में चौखट पे मेन दौर पे गैलरी में हर जगह मैंने दीपक जला दिया उसके बाद फिर मैंने पूजा करनी शुरू की लक्ष्मी पूजन मैंने किया लक्ष्मी पूजन करने में इस बार मुझे ग्यारह साढ़े ग्यारह बज गया काफी लेट हो गया था लेकिन मैंने फिर मन को शांत करके और फिर अच्छे से अपनी लक्ष्मी पूजन की जैसा कि आप लोग मेरे हर वीडियो में देखते हैं कि मुझे कोई भी पूजा करना बहुत ही विधि विधान से करना पसंद है बहुत अच्छे से करना पसंद है हर चीज़ को अच्छे से सजा के धजा के और वहाँ पे मैं पूजा करती हूँ तो इसी तरह से मेरी लक्ष्मी पूजन भी मुझे करना था तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग गया था तो इसे पहले मैंने इस तरह से तैयारी कर ली और उसके बाद फिर मैंने पूजा करना शुरू किया तो यहाँ पर मैं जो भी मेरे लक्ष्मी माँ गणेश जी और कुबेर भगवान और सरस्वती माँ का विग्रह है उसे मैं रखती हूँ और साथ ही इस तरह से मैं जो वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हूँ तो लक्ष्मी माँ का मैं इस तरह से कलश पे नारियल रख के उनका इस तरह से एक प्रतिमा बनाती हूँ और उसकी भी पूजा करती हूँ तो वो सारा चीज इस तरह से हमारे घर में ही रहता है तो मैं अलग से लक्ष्मी जी या गणेश जी खरीद के नहीं लाती हूँ मोस्टली बहुत सारे लोग मट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी ला के उनकी पूजा करते हैं और फिर उनको विसर्जन कर देते हैं लेकिन मुझे वो करना पर्सनली पसंद नहीं आता है तो मैं इस तरह से जो मेरे घर में मेरे विग्रह भी हैं उन्हें मैं रखती हूँ मेरे पूजा घर में उन्हीं का पूजा करती हूँ साथ ही इस तरह से जो मेरी वैभव लक्ष्मी माँ का मैं ये मुकुट और ये सब उनका फेस ये सब रखती हूँ उसे ही मैं इस तरह से उनका प्रतिमा बना के और यहाँ पे मैं लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा करती हूँ तो इसी तरह से मेरी लक्ष्मी माँ की पूजा होती है तो अब यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ धूप दिया दिखा दे रही हूँ और जो भी मुझे उनका मंत्र जा आप ये सब करना है वो सब भी कर लूँगी और ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया और उसके बाद फिर हम गए नीचे अपने गाड़ी की पूजा करने लक्ष्मी पूजन के दिन मैं अपनी गाड़ी की भी पूजा करती हूँ क्योंकि जो हमारे गाड़ियाँ होती हैं वो भी एक लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है तो इसलिए मैं उन उसकी भी पूजा करती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था पार्किंग में लाइट तो थी लेकिन आपको कैमरे में थोड़ा अंधेरा ही दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी फटाफट मेरी कार की और स्कूटी की सबकी मैंने पूजा कर ली E पूजा करके आने के बाद फिर थोड़ा सा मन शांत हुआ क्योंकि हर चीज़ हो चुकी थी फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेशन रह गया था जैसे इस तरह के उर्ली मैंने ले रखे थे उसे डेकोरेट करना रह गया था तो उसे मैंने सब जगह सजा के और उसमें कैंडल जो टी लाइट कैंडल होता है उसे जला के रख दिया उसके बाद थोड़ा सा हम रिलैक्स होकर सभी बैठे थोड़ा सा फ़ोटो खिंचाए आपस में क्योंकि इस बार मेरे पापा मेरे साथ में हैं हर बार तो वो अपने बेटे बहुओं के साथ दिवाली मनाते हैं तो इस बार हमारे घर पर थे तो हम उनके साथ अच्छे से हमने दिवाली सेलिब्रेट किया फ, फोटो खिंचाए थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया जो भी नाश्ता पानी बनाया था मैंने वो बैठ के हमने रिलैक्स के होके खाया और उसके बाद फिर रात को डिनर किया तो इस तरह से मैंने अपनी लक्ष्मी पूजन और दिवाली का फेस्टिवल मैंने सेलिब्रेट किया सो तो फ्रेंड ये था मेरा वीडियो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाय